अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद नुमान है और आप देख रहे हैं टॉप नॉलेज फैक्ट्री यूट्यूब चैनल। टॉपिक पर जाने से पहले आप सब दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है, जो ये वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मरतबा एक रेड़ी वाला हज पर जाने लगा तो उसके इलाके के लोगों को इस बात का इल्म हुआ कि फलां गरीब रेड़ी वाला हज पर जा रहा है। तो उनको बहुत तजस्सुस हुआ कि वो तो एक गरीब बंदा है, रेड़ी लगाता है, 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से खाता है, फिर भी हज पर जा रहा है कैसे। तो एक दिन कुछ लोग उसके आसपास जमा हो गए और पूछने लगे कि ऐ रेड़ी वाले, आप तो गरीब हो, 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से खाते हो, सफ़ेद पोश हो, फिर भी हज पर जा रहे हो कैसे, खर्चा कहाँ से आया। तो इस पर रेड़ी वाले ने मुस्करा कर बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि लोगों, बेशक मैं एक गरीब इंसान हूँ, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से खाता हूँ, लेकिन मेरा अल्लाह नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो बनाने का जो असल मकसद है वो ये है कि हमें अल्लाह पाक पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो अमीरी और गरीबी को नहीं देखता कि फलां अमीर है, हज करने आ जाओ। वो दिलों को देखता है, हम उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। और सबसे बड़ी बात, मायूसी और नाउम्मीदी नहीं करनी चाहिए कि मैं तो जा भी नहीं सकता, मेरी किस्मत में कहाँ जाना लिखा है। सच्चे दिल से मांगें अपने अल्लाह से, फिर देखें चाहे आप अमीर हैं या चाहे आप गरीब हैं, अल्लाह पाक आपको अपने घर ज़रूर बुलाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और हमारी न्यू वीडियो आने तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।